हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनोखी की माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद अनोखी के पिता हरी ने कुसुम नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। कुसुम और हरी का जीतू नाम का बेटा था। कुसुम को अनोखी जरा भी पसंद नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब सभी लोग नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे होते हैं, तभी अनोखी कहती है, माँ ये मेथी की रोटी लो ना, आपके लिए ही बनाई है मैंने। क्यों, जहर मिलाकर लाई है क्या इसमें? नहीं माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप, भला मैं ऐसे क्यों करूँगी? हाँ अब जा, रसोई ही मेरी सौतेली बेटी की है तो भगवान ही जाने तू क्या करती है क्या नहीं। मुझे डर लगा रहता है, पता नहीं कौन से दिन तू मुझे खाने में जहर मिलाकर दे दे। कुसुम, तुमने सुबह सुबह फिर से अपनी बकवास करनी शुरू कर दी। एक दिन भी तुम घर में शांति से नहीं बिता सकती हो क्या? हाँ माँ, दीदी रोज हमारे लिए कितना अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन एक आप हो कि उनको सुनाती रहती हो। और माँ, आप दीदी को कितना भी कुछ कह लो, मेरे लिए वे मेरी सगी बहन है। लाओ दीदी, मेथी की रोटी अब मुझे दे दो। इतना कहकर जीतू अनोखी के हाथ से मेथी की रोटी ले लेता है और मजे लेकर खाने लगता है। यह सब देखकर कुसुम के तन बदन में आग लग जाती है और वो बिना नाश्ता किए ही उठकर चली जाती है। अपनी माँ को ऐसा जाता देखकर अनोखी को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, पापा देखो ना, माँ बिना नाश्ता किए कहीं चली गई है। अरे अगर उनको मुझे बुरा भला कहकर सुकून मिल जाता है तो कहने दिया करो ना, आप लोग उनको मत टोका करो। देखो अब वो चली गई, कुछ खाया भी नहीं। अरे बेटा तू चिंता मत कर, जब भूख लगती है ना तो गुस्सा पसीने की तरह बह जाता है, अपने आप ही खा लेगी वो। हाँ दीदी, आप माँ की इतनी चिंता मत किया करो, बस आप डेली ऐसे घर की रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाती रहा करो। ऐसे ही सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। अनोखी हर तरीके से अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश करती है, पर उसकी सभी कोशिश नाकाम हो जाती है। उल्टा कुसुम उससे और ज्यादा नफरत करने लगती है। ऐसे ही एक दिन कुसुम की दोस्त लीला उससे मिलने के लिए घर आती है। अनोखी जल्दी से उन दोनों के लिए खाना बनाती है और गर्म गर्म खाना उन दोनों को परोसती है। खाने का स्वाद चखते ही लीला बोलती है, वाह वाह वाह, क्या स्वाद है खाने का। कुसुम कौन से होटल से मंगवाया है? यही घर में ही बना हुआ है। घर में किसने बनाया है? मेरी सौतेली बेटी अनोखी ने बनाया है, उसी की रसोई में बना है। अरे उसकी रसोई से क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैं नहीं करती हूँ कुछ भी रसोई में, जो भी करती है वही खुद करती है। मुझे बना बनाया खाना मिल जाता है और मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अरे कुसुम कैसी बातें करती है, 2 महीने की ही तो बात है। अनोखी जब हरी जी ने तुझसे शादी की थी, अरे उसकी माँ तू ही है। मैं नहीं हूँ उसकी माँ, उसकी माँ चली गई उसे छोड़कर। मेरा बस मेरा बेटा जीतू है और कोई नहीं। कुसुम इतना बोल ही रही होती है, तभी वहाँ पर अनोखी आ जाती है और लीला उससे कहती है, बेटा सच में खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है तूने, खाकर मजा आ गया। जी शुक्रिया आंटी जी। माँ आपने खाना खाया? हाँ खा लिया, ये बर्तन ले जा धो दे सारे और बाकी के काम भी कर ले, बार बार मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है। जी माँ जैसा आप कहो। इतना कहकर अनोखी वहाँ से चली जाती है, पर लीला को अनोखी के साथ कुसुम का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत बुरा लगता है। वो कुसुम को समझाने की कोशिश करती है, पर कुसुम उसे ही 4 बार सुनाकर उसका मुंह बंद करवा देती है, जिसके बाद लीला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। जो कोई भी अनोखी के हाथ का खाना चखता था वो उसकी खूब तारीफ किया करता था, सिवाय कुसुम के। ऐसे ही एक दिन कुसुम अपने कमरे में बैठी खुद से कहती है, पता नहीं सबको मेरी सौतेली बेटी की रसोई में बने खाने में क्या स्वाद आ जाता है जो इसकी तारीफ करता है। मुझे तो आज तक अच्छा ही नहीं लगा, जब देखो बस गुड़ पर मक्खी की तरह वो रसोई में चिपकी रहती है। बस नहीं चलता मेरी सौतेली बेटी का, अपनी रसोई में ही खाट बिछाकर वहीं पसर जाती। ऐसे ही कुसुम कमरे में बैठी बैठी अनोखी को कोसती रहती है। अच्छे बुरे दिन गुजरते जाते हैं। अनोखी आए दिन अपनी माँ को खुश करने के लिए कोई ना कोई नया पकवान बनाकर उसे खिलाया करती थी, पर इतना करने पर भी कुसुम ना तो कभी अनोखी के हाथ के बने खाने की तारीफ करती, ना ही कभी उसे प्यार के दो मीठे बोल बोलती थी।
जिस वजह से एक दिन अनोखी अपनी रसोई में खाना बनाते हुए रो रही होती है। तभी वहाँ जीतू आ जाता है और कहता है, क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों रो रही हो? आप ठीक हो ना? क्या हुआ बोलो। जीतू, जैसे तू मुझे अपनी बहन मानता है, वैसे माँ मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं मानती है? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? अरे दीदी, कैसी बातें करती हो, तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो, सबसे अच्छी बहन, और हाँ, सबसे बढ़िया खाना बनाने वाली शेफ हो। अरे माँ का तो नेचर ही यही है, उनको तो हर चीज में खामी निकालने की आदत है। आप उनकी बातों को दिल पे मत लिया करो। भाई बस मैं यही सोचती हूँ कि मुझे मेरी सगी माँ का तो प्यार मिला नहीं, कम से कम सौतेली माँ का ही मिल जाए, एक बार तो मुझे अपनी बेटी समझ कर देखें। दीदी आप चिंता मत करो, आप ना ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर माँ को खिलाते रहो, देखना एक दिन वो मान जाएंगी। इतना कहकर जीतू अपनी बहन को गले लगा लेता है और रसोई के काम में उसकी मदद करने लगता है। वक्त गुजरता जाता है, हरी अनोखी की शादी के लिए लड़के देखना शुरू कर देता है और आखिरकार उसे अनोखी के लिए एक राहुल नाम का लड़का पसंद आ जाता है। राहुल अपनी माँ सरविता के साथ अनोखी को देखने के लिए उसके घर आता है। सरविता और राहुल को अनोखी पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। तभी अनोखी के हाथ का बना हुआ नाश्ता चखकर सरविता कहती है, वाह मेरी होने वाली बहू के हाथों में तो जादू है, सच में इतना अच्छा स्वाद है इन सब चीजों का। अरे बहन जी, आपको तो बड़ा दुख होगा, हम आपकी मास्टर शेफ को ले जाएंगे। अरे काहे का दुख, ले जाओ इसे, और शादी तक भी क्यों रुकना है? मैं तो कहती हूँ आप अभी अपना मुंह मीठा करवा लो, लाल चुन्नी उड़ाकर ले जाओ मेरी सौतेली बेटी को। राम ही जाने हर किसी को मेरी सौतेली बेटी के रसोई में बना खाना इतना अच्छा क्यों लगता है, मुझे तो आज तक नहीं लगा। कुसुम की बातें सुनते ही सरविता समझ जाती है कि अनोखी को लेकर कुसुम की क्या भावना थी, जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है बहन जी आपके दिल में सौतेली और सगी वाली तलवार गहरी गड़ गई है। आपको पता है माँ बेटी का रिश्ता ना हर रिश्ते से मजबूत होता है। अरे हरी जी ने आपसे शादी ही अपनी बेटी को माँ की ममता देने के लिए की होगी ना। अगर जैसा आप अनोखी के साथ करती हैं वैसा ही हरी जी जीतू के साथ करें तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? आंटी बिल्कुल सही कह रही माँ। अरे दीदी हर वक्त कोशिश करती रहती हैं आपके दिल में खुद के लिए थोड़ी सी जगह बनाने की, पर आप कभी प्यार के दो शब्द मीठे बोल तो दूर की बात है, प्यार से उनकी तरफ देखती भी नहीं है। कुसुम, मैंने कभी जीतू और अनोखी में फर्क नहीं किया, आज तक उन दोनों को बराबर का प्यार दिया, जो चाहिए था उनको वो सब दिया, फिर भी क्यों तुम अनोखी को सौतेले होने का ताना देती रहती हो? एक बार उसकी भावना भी तो समझो। माँ आज तक आपने खाना बस यही सोच कर खाया है कि ये खाना आपकी सौतेली बेटी ने बनाया है, ये उसकी रसोई से बनाया है, पर माँ मेरे जाने के बाद ये रसोई आपकी ही होगी, बस एक बार अपनी सौतेली बेटी की रसोई में बने खाने को प्यार से खाकर देखो, आपको स्वाद और प्यार अपने आप आ जाएगा। इतना कहकर अनोखी अपने हाथों से नाश्ता कुसुम को खिलाती है और कुसुम की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो उसी पल अनोखी को गले से लगा लेती है और उससे अपनी हर गलती की माफी मांगती है और जी भर कर अनोखी के हाथों के बने खाने की तारीफ करती है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं और आखिरकार एक सौतेली बेटी की रसोई में बने खाने से ही उसे उसकी माँ का प्यार मिल जाता है। एक बहुत ही गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन उसकी भगवान श्री राम में आस्था उसको दिल से बहुत अमीर बनाती थी। प्रतिदिन नहा धोकर माला अपने गाँव के राम मंदिर जाती थी। ऐसे ही एक सुबह वो नहा धोकर अपनी पूजा की थाली तैयार करके घर से निकलते हुए अपनी माँ कविता को कहती है, माँ मैं मंदिर जा रही हूँ। बेटा जल्दी आना, तेरे पिताजी के साथ खेतों में फसल काटने जाना है, वैसे भी इस बार जमींदार ने बड़े कम पैसे दिए हैं मजदूरी के। माँ आप चिंता मत करो, मैं जल्दी पूजा खत्म करके आपको खेतों में ही मिलती हूँ। माला मंदिर के लिए निकल जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि आज मंदिर में साफ सफाई कुछ ज्यादा है और गांव के आम लोगों को तो दूर से ही दर्शन करके जाने की सलाह है। ऐसा होने पर माला मंदिर के पुजारी जी से पूछती है, पुजारी जी ये आज मंदिर में कोई खास कार्यक्रम है क्या? लोगों को भगवान के पास क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? आज जमींदार खड़क सिंह का परिवार एक खास पूजा के लिए मंदिर आने वाला है, इसीलिए। और वैसे भी बड़े लोग मंदिर में आते हैं तो ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान पर, और उनको भीड़ नहीं पसंद होती,
तो इसीलिए बाकी लोगों को बाहर से ही दर्शन करने की इजाजत है। गरीब और अमीर की भक्ति में इतना अंतर है पुजारी जी, भगवान तो उनकी सुनते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं, फिर इसमें बड़े छोटे होने का क्या ही महत्व है। भगवान सबकी सुनते तो सब अमीर होते। अब जा जल्दी यहाँ से, पर वो लोग आते ही होंगे। पुजारी जी माला को जाने की सलाह देकर मंदिर में अंदर आ जाते हैं। तभी जमींदार खड़क सिंह अपने बेटे माधव और पत्नी सुलोचना के साथ मंदिर आता है और एक बड़ी सी पूजा करके भगवान की मूर्ति पर सोने के जेवर चढ़ाता है। उसी समय माला भी अंदर आकर भगवान की पूजा करके उन पर अपने हाथों से बनाई फूलों की माला चढ़ा रही होती है। अपनी पूजा के बीच गांव की साधारण लड़की को पूजा करते देखकर खड़क सिंह बोलता है, ये क्या लड़की, तुझे मेरे सोने की माला नहीं दिखी भगवान के गले में, जो तूने इस सस्ते से फूलों की माला भगवान पे चढ़ा दी। माला सस्ती है जमींदार साहब, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है और सच्चे मन से अगर भगवान को एक फूल भी चढ़ाओ ना तो भगवान खुश हो जाते हैं। उनको खुश करने के लिए महंगे आभूषणों का लालच देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ए लड़की, तू कहना क्या चाहती है, हम भगवान को लालच दे रहे हैं? अरे हमारे पास सब है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है जो उसके लिए हमें भगवान को लालच देना पड़े। अगर आपके पास सभी चीजें हैं तो आपको इन जेवरात की जगह भोज करवा देना चाहिए था, जिससे कई गरीबों का पेट भरता। अच्छा चलती हूँ मैं, जय श्री राम। माला इतना बोलकर अपनी पूजा खत्म करती है और अपनी माँ और पिताजी के पास खेतों में काम करवाने निकल जाती है और वहाँ जाकर वो सड़ी धूप में फसल काटती है। शाम को जब फसल काटने के बाद माला के पिताजी अपना वेतन लेने जमींदार के पास जाते हैं तो वो उनको बहुत ही कम पैसे देता है। घर आकर इस बात का पता चलने पर माला की माँ रोने लगती है। ये देखकर माला उसे बोलती है, माँ रोने की जरूरत नहीं है, भगवान पर यकीन रखो, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और मुझे मेरी भक्ति पर पूरा भरोसा है, राम जी ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बेटा मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, तुझे तेरी भक्ति का अच्छा फल मिले। माला अपनी माँ को हौसला देकर शाम के खाने की तैयारी करती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जमींदार खड़क सिंह गांव में भोज करवाता है, पूरा गांव उसमें शामिल होता है। माला और उसका परिवार भी उसी भोज में शामिल होकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सुलोचना की नज़र माला पर पड़ती है और वो उसके पास आकर बोलती है, अच्छे से खाना लड़की, क्योंकि भगवान हमारी भक्ति से इतने प्रसन्न है कि उन्होंने हमें देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं। जरूर जमींदारनी जी, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो आपको देने वालों में ही रखे। और आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस भोज के लिए, आज आपकी वजह से कई गरीबों का पेट भरने जा रहा है। सुलोचना अपनी भक्ति और अमीरी का घमंड दिखा कर चली जाती है। वहीं भोज का खाना मिलने पर माला उसे खाने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि एक भिखारन को उस भोज में आने नहीं दिया जा रहा। ये देखकर वो अपनी खाने की थाल ले जाकर उस औरत को देती है, जिस पर वो औरत बोलती है, बेटी ये क्या, तुमने अपनी थाल मुझे क्यों दी, मैं तो आखिरी में बचा कुचा कुछ भी खा लेती। नहीं काकी, आपको बचा कुचा खाने की जरूरत नहीं है, मेरे राम जी ने सिखाया है हमें किसी जरूरतमंद की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और इस भोजन की जरूरत मुझसे कहीं ज्यादा आपको है, इसलिए आप खाइए। माला को अपना खाना एक बूढ़ी भिखारन को देता देखकर वहाँ लोग उसको दोबारा खाना देने से मना कर देते हैं, लेकिन उसको इस बात का कोई दुख नहीं होता। ऐसे ही रोजाना माला अपनी सुबह की शुरुआत मंदिर में अपने भगवान श्री राम के चरणों में करती। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और राम नवमी आने वाली होती है। माला मंदिर के पुजारी जी से पूजा की सारी विधियां जानकर पूरे 9 दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करती है, तो वहीं जमींदार की पत्नी भी व्रत करती है, लेकिन पूरे दिन में कभी फलाहार तो कभी जूस पीकर वो अपनी भूख को शांत कर लेती।
ये देखकर सुलोचना का बेटा माधव बोलता है, माँ जहाँ तक मुझे पता है इस व्रत में तो केवल एक बार फलाहार करते हैं, वो भी थोड़ा सा, लेकिन यहाँ आप तो सुबह से कुछ ना कुछ खा ही रही हो। बेटा भक्ति भाव मन में होना चाहिए, वैसे भी भगवान ये नहीं चाहते कि उनके भक्त भूखे रहें, और मैं फलों का जूस पीती हूँ ये व्रत में पी सकते हैं। अच्छा ऐसा भी है। हाँ बेटा, और सुनो कल रामनवमी है तो सुबह मंदिर जाकर यज्ञ व दान पुण्य करके हमें अपना व्रत खोलना है, इसलिए समय पर तैयार हो जाना। अगले दिन रामनवमी के अवसर पर एक महायज्ञ होने वाला था। उससे पहले माला अपने 9 दिन के कठिन व्रत को पूरा करके मंदिर आकर पूजा पाठ करती है, लेकिन पूरे 9 दिन अंत यागने के कारण वो कमजोरी से बेहोश हो जाती है। तभी जमींदार की पत्नी और बेटा मंदिर आते हैं, जहां माला को बेहोश देखकर माधव पुजारी जी से पूछता है, पुजारी जी ये क्या हुआ इनको? बेटा इस बालिका ने पूरे 9 दिन के व्रत पूरी विधि विधान से पूरे किए बिना किसी फलाहार के, इसीलिए कमजोरी से बेहोश हो गई। आप चिंता ना करें, यहाँ लोग हैं उसके लिए, आप पूजा करके यज्ञ की ओर बढ़े, आपको और आपकी माता जी को ही ये यज्ञ करना है। जी जी पुजारी जी, हम अभी आते हैं। माला अपनी बेहोशी से उठकर वहीं भगवान श्री राम की मूर्ति के पास हाथ जोड़कर बैठी होती है, तो सुलोचना पूजा करके यज्ञ की तरफ बढ़ रही होती है। तभी माधव उसे रोकते हुए बोलता है, माँ मुझे लगता है कि इस यज्ञ को करने का हकदार वही है जिसकी भक्ति में शक्ति है, जिसकी श्रद्धा में कोई मिलावट नहीं है, इसीलिए आप नहीं बल्कि ये लड़की माला इस यज्ञ को करेगी। ये क्या कह रहे हो तुम माधव, एक गरीब लड़की इतने बड़े यज्ञ को करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है, इस यज्ञ की सारी तैयारियां हमने करवाई है। माँ भगवान आपके पैसे और आपकी तैयारियों से प्रसन्न नहीं होते, ना ही भोज के दिखावे से होते हैं, दिल में उनके लिए आस्था सच्चा भक्ति भाव होना भी जरूरी है। आपने भगवान की भक्ति करी है, लेकिन सच्ची भक्ति इस लड़की ने करी है, इसीलिए इस यज्ञ का फल तभी मिलेगा जब इसको ऐसे इंसान के हाथों संपन्न करवाया जाए जिसका भगवान में अटूट विश्वास हो। माधव बेटा बिल्कुल सत्य कह रहा है जमींदारनी जी, माला की राम भक्ति से पूरा गाँव अवगत है, इस कन्या ने अपने हालातों को सुधारने के लिए कभी भक्ति नहीं की, इसने बस निस्वार्थ भाव से प्रभु का ध्यान किया है। पुजारी जी के इतना बोलने के बाद माधव माला को संभालते हुए उठाता है और उसको यज्ञ के स्थान पर बैठाकर बोलता है, अपने इस यज्ञ में तुम इस पूरे गांव की सुख और समृद्धि की कामना करना, क्योंकि भगवान राम तुम्हारी अवश्य सुनेंगे और फिर गांव में ये अमीर गरीब वाली रेखा मिट जाएगी। माधव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने बड़े यज्ञ में शामिल होकर अपनी पूजा को पूर्ण करने का मौका दिया। राम जी आपको हर वो चीज दे जिसके आप हकदार हैं। इसके बाद पुजारी जी यज्ञ का श्री गणेश करते हैं और पूरे गांव की मौजूदगी में माला अपनी भक्ति का फल पाकर इस यज्ञ में अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।